सुनाऊं, मैं कम से कम मैंने ऐड किया है सैसवी झंडवास कृष्णा अगरबत्ती का, और ये हमारी पहली शॉर्ट फिल्म हमारी जो आई थिंक प्रयागराज की सबसे बड़ी बजट की शॉर्ट फिल्म होगी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बट इसके जो डायरेक्टर थे, एक्चुअली ये जो हमारी फिल्म बनी है शॉर्ट फिल्म स्टूडेंट लाइफ, ये काफ़ी अच्छा रहा है इनके साथ, रवि भैया के साथ एंड आकाश के साथ काम करके मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। एंड आई होप जो हमारे प्रयागराज के लोग हैं, टैलेंट है, वो आगे जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश तिवारी और मैं लेके आ रहा हूँ प्रयागराज की पहली शॉर्ट फिल्म, जो आप लोग इसको देखोगे प्राउड करोगे। इसमें हम स्टूडेंट लाइफ के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। कोविड टाइम में आप लोग देख रहे होगे कि 70% जो क्लासेस हैं आपके वो ऑनलाइन हो चुके हैं, ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, तो इससे आपको कैसे छुटकारा मिल सकता है। एंट्रेंस एग्जाम देते थे यहाँ पे, जो हमारा इलाहाबाद प्रयागराज है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग करने के मतलब यहाँ पे आते हैं, तो कुछ लोग उसमें सिलेक्शन हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं हो पाता, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो किस तरीके से कुछ इसमें जिनका सिलेक्शन होता है वो कैसे अपने उस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करते हैं, हम अपनी फिल्म में सब सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और ये हमारी फिल्म स्टूडेंट लाइफ आपको 14 तारीख को रिलीज़ हो रही है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश तिवारी पे, तो आप लोग देखिए। अगर ये फिल्म आप लोगों ने अच्छी व्यूअरशिप दी तो मेरा आपसे वादा है कि अगर ये फिल्म 1,00,000 व्यू क्रॉस करती है तो मैं प्रयागराज का पहला सीरियल लेके आऊँगा, जो हमारे स्टूडेंट लाइफ या प्रयागराज पे डिपेंड करेगा। आप लोग देखते होंगे कि प्रयागराज में जितने भी एक्टर हैं, जैसे ही वो सफल होते हैं उनको काम मिलना स्टार्ट हो जाता है तो अपने प्रयागराज को भूल जाते हैं। हम ऐसा नहीं करने वाले, हम आपसे वादा करते हैं कि अगर ये हमारी फिल्म अच्छी चली तो हम गारंटी के साथ 100% लेके आ रहे हैं हम अपना पहला सीरियल प्रयागराज, जो पहला सीरियल होगा। और यहाँ पर जितने यहाँ के लोकल आर्टिस्ट लोकल एक्टर होंगे सबको उन्हीं को हम काम देंगे। तो हमारी फिल्म आप लोग जरूर देखिए, और प्रयागराज के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पूरी जो स्टार कास्ट हो प्रयागराज के लिए। आप लोग देखते हो कि बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ पे शूट तो होती हैं लेकिन बाहर सेक्टर आते हैं, यहाँ पे शूट करके चले जाते हैं, जो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट होते हैं उनको गार्ड का रोल दे दिया जाता है, ड्राइवर का रोल दे दिया जाता है। इससे आपको छुटकारा आप लोग ही दिला सकते हो, इसलिए प्रयागराज के जो भी एक्टर उनको आप लोग देखिए, उनको उनकी अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं उसको आप शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं हूँ रवि इलाहाबादी और इस फिल्म में मेरा रावण का करेक्टर विलन का है, जो इसमें लीड एक्टर से उसकी मैं उसको भाई का रोल कर रहा हूँ। और मैं भी इलाहाबाद से हूँ, मतलब अपने प्रयागराज से, तो अपने प्रयागराज से अमिताभ बच्चन जी हैं, तो अमिताभ बच्चन जी अगर इस फिल्म में होते तो कैसे बोलते? भाई साहब बिल्कुल सही बात है, अपने इलाहाबाद को आगे बढ़ाना है और बहुत आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैं तो आगे निकल गया लेकिन इलाहाबाद पीछे रह गया, तो इसको भी आगे बढ़ाना है और मैं चाहता हूँ सब आगे बढ़ें। नाना पाटकर और खुद क्या बोलते हैं? अच्छा है, बहुत अच्छा, अपना इलाहाबाद आगे बढ़ेगा, प्रयागराज का नाम रोशन होगा। अमरीश पुरी जी, ओए भाई, अरे डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, इस फिल्म में मैं भी विलन का काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम है रावण। थैंक यू सो मच।